हेलो एवरीवन आज हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर थ्री पे मैट्रिसेस क्लास ट्वेल्थ तो चलिए शुरू करते हैं तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये दे के रखा है कि लेट ए इज इक्वल टू दिस वन एक मैट्रिक्स दे के रखा है और हमें क्या करना है ये जो दे के रखा है इसको शो करना है वेयर वेर आईज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू और एन जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो इसको सॉल्व सॉल्व ये मतलब प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग प्रूफ करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करके ठीक है एक्चुअली जो हमने एग्जाम्पल में तरीका बताया था ना वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा यहाँ पर बाकी दोनों क्वेश्चन के लिए हम आपको बता देंगे सेकेंड और थर्ड के लिए वो चीज़ बता देंगे पहले वाले क्वेश्चन को हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन से सीधे सीधे प्रूफ कर लेते हैं तो ये हमारे पास क्वेश्चन देख रखा है तो चलिए प्रूफ करते हैं हम लोग तो हम लोग करते क्या हैं मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करने के लिए कि पहले वेरीफाई करेंगे वेरीफाई करते हैं किस पे वन के लिए एनिक्वल टू वन के लिए वेरीफाई करेंगे ठीक है और फिर एज्यूम करेंगे एज्यूम करेंगे किसके लिए कि एन इक्वल टू के के लिए सही है एन इक्वल टू के लिए सही है फिर क्या करेंगे हम लोग फिर से मतलब प्रूफ करेंगे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये एन इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी सही है अगर एन इक्वल टू के के लिए सही है तो यहाँ से हम लोग इधर जाएंगे कि एन इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी ये सही है ठीक है अगर एन इक्वल टू के के लिए सही है तो एन एकवल टू के प्लस वन के लिए भी सही है तो फिर मैथमेटिकल इंडक्शन से हम लोग कहेंगे कि ये एन बिलोंग्स टू एन के लिए मतलब सभी एन के लिए जो है वो सही है तो आते हैं पहले वेरीफाई वाले पार्ट पे ठीक है तो हम इसको क्या कर देते हैं कि जो ये दे के रखा है इसको हम लोग पी एन बोल देते हैं ठीक है जैसा कि हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन में हम लोग करते हैं तो ये हो जाएगा ए आई प्लस बी ए होल्ड टू द पावर एन इज़ इक्वल टू ए टू द पावर एन आई प्लस एन टाइम्स ए टू द पावर एन माइनस वन बी ए ओके तो पहले क्या करते हैं एन इक्वल टू वन के लिए प्रूफ करते हैं वेरीफाई करते हैं कि एन इक्वल टू वन के लिए सही है तो ए आई और प्लस कितना आ जाएगा बी ए होल्ड टू द पावर एन की जगह पे कितना हो जाएगा वन हो जाएगा हमारे प्लस इजिक्वल टू अगर राइट हैंड साइड में वन रखें तो ये ए टू द पावर वन ए हो जाएगा आई और प्लस एन का वैल्यू वन रखा तो ये तो वन हो गया ये एन वन माइनस वन जीरो ए टू द पावर जीरो कितना हो जाएगा वन हो जाएगा तो ये एन बी और ए ऐसा बन जाएगा हमारे पास ओके okay? तो सॉरी एन का वैल्यू वन हो गया ना एन का वैल्यू वन हो गया तो हमारे पास ये आ जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया हमारे पास ए आई और प्लस बी ए जो है राइट हैंड साइड से भी वही आ गया ए आई प्लस कितना बी ओके okay? तो दिस वॉज डैट दिस शोज दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू वन रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू ये वन के लिए सही है तो वेरीफाई वाला पार्ट तो हो गया हमारे पास अब क्या करेंगे एज्यूम करेंगे तो नाउ लिट सॉरी लिट रिजल्ट इज ट्रू रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के एन इक्वल टू के के लिए मान लेते हैं सही है यानी कि पी के सही है तो पी के कितना हो जाएगा हमारे पास एन की जगह पे जितना है हमारे पास वो के रख देते हैं तो पी के हो जाएगा हमारे पास पी के आ जाएगा ए आई प्लस बी ए होल टू द पावर एन की जगह पे कितना हो जाएगा हमारे पास k हो जाएगा इज इक्वल टू ए टू द पावर n i है हमारे पास तो ए टू द पावर k i और प्लस एन टाइम्स यानी कि के टाइम्स ए टू द पावर एन माइनस वन यानी कि ए टू द पावर के माइनस वन बी ए बी ए तो जो था बाकी उसको ऐसे ही छोड़ दिया यही था हमारे पास देख लो आप लोग ठीक है एन की जगह पर हमने के रखा है तो ए टू द पावर के आई प्लस के टाइम्स ए टू द पावर के माइनस वन बी ए ये बना हमारे पास ओके अब इसको आगे करते हैं ये हमारे पास एक रिजल्ट है इसको हम लोग ध्यान रखेंगे इस चीज़ का यूज़ करेंगे हम मान लेते हैं कि ये जो है रिजल्ट वन है ठीक है अब हमें प्रूफ क्या करना है प्रूफ करेंगे रिजल्ट एन इक्वल टू के प्लस वन के लिए नाउ वी विल प्रूव दैट वी विल प्रूव दैट रिजल्ट इज ट्रू रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन एन इक्वल टू के प्लस वन के लिए ये क्या है रिजल्ट सही है तो आते हैं मतलब तो पी के प्लस वन कितना हो जाएगा हमारे पास पी के प्लस वन जो होगा हमारे पास वो आ जाएगा ए आई प्लस बी ए होल टू द पावर कितना के प्लस वन इज़ इजिक्वल टू इक्वल टू कितना था ए टू द पावर के प्लस वन ए टू द पावर के प्लस वन ए और प्लस आ जाएगा हमारे पास के प्लस वन एन टाइम्स ए टू द पावर के प्लस वन माइनस वन बी ए ठीक है तो हमें क्या करना है हमें इसको प्रूफ करना है कि ये जो है वो सही है टू प्रूव ये वाला जो पार्ट है हमें क्या करना है प्रूव करना है तो काम करते हैं कोई एक उठाते हैं एल एच एस उठाते हैं हम लोग एल एच एस उठा के शुरू करते हैं तो एल एच एस क्या है हमारे पास ए आई प्लस बी ए होल टू द पावर के प्लस वन ये हमारे पास एल एच एस है तो इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा ए आई प्लस बी ए होल टू द पावर कितना हो जाएगा हमारे पास के और इन हो जाएगा हमारे पास ए आई प्लस वी ए होल टू द पावर वन अगर इसको तोड़ा जाए तो ये ऐसा ही बनेगा हमारे पास अब इस चीज़ का वैल्यू जो है वो इक्वेशन वन से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे उठा के रख देंगे ये वाला जो हमने निकाला था ये वाला उसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर उठा के रख देंगे ओके तो उसका वैल्यू अगर उठा के यहाँ पर रखा जाए तो हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं ठीक है आप लोग एक बार देख लोगे ये हो जाएगा ए टू द पावर के आई के आई प्लस के ए टू द पावर के माइनस वन बी ए इन कितना हो जाएगा हमारे पास ए आई प्लस बी ए देख लोगे आप एक बार यही था हमारे पास ए आई प्लस बी ए टू द पावर के को हमने एक ए टू द पावर के आई प्लस के टाइम्स ए टू द पावर के माइनस वन बी ए उस चीज को लिख दिया अब इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों को इन दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करते हैं सॉरी पहले वाला था ये इन दोनों पार्ट्स को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या क्या लिखें कैसे लिखते हैं हम लोग क्या क्या आता है इस पहले वाले को अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो ए टू द पावर के आई और ए टू द पावर मतलब के आई और इन टू ए आई तो ए टू द पावर कितना हो जाएगा ए टू द पावर के प्लस वन हो जाएगा हमारे पास ठीक है और आई को आई से मल्टीप्लाई करोगे तो आई स्क्वायर बन जाएगा ठीक है प्लस ए टू द पावर के आई को इससे मल्टीप्लाई करें दूसरे वाले से तो कितना बनेगा हमारे पास ए टू द पावर के बी और ये बन जाएगा हमारे पास आई ए मैट्रिक्स वाले को अलग लिख लेते हैं फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले पार्ट से तो कितना बनेगा ए टू द पावर तो के माइनस वन है यहाँ से एक ए है तो ए टू द पावर तो के हो जाएगा तो के ए टू द पावर के एक और नंबर है यहाँ पे बी और फिर कितना हो जाएगा ए आई ए आई और फिर इस वाले को सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा ये बन जाएगा हमारे पास के टाइम्स ए टू द पावर के माइनस वन ये बन जाएगा बी स्क्वायर ठीक है और ए को ए से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डैट विल बी ए स्क्वायर अब बाकी में तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास क्योंकि आई स्क्वायर जो होगा वो हमारे पास आई हो जाएगा जो आई स्क्वायर होगा वो तो हमारे पास आई हो जाएगा अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से प्री मल्टीप्लाई करो चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई करो ये जो होगा ए आई और आई ए जो होगा दोनों के दोनों किसके बराबर होगा ए के बराबर तो ये सारी चीज़ें तो हम लोग निकाल सकते हैं निकालना क्या रहेगा ए स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी कि ए स्क्वायर क्या है हमारे पास तो देख लेते हैं जो हमारे पास ए मैट्रिक्स था वो दे के रखा था ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो ठीक है तो अगर हम लोग यहाँ से ए स्क्वायर निकालते हैं तो ए स्क्वायर कितना आएगा ए स्क्वायर आएगा ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो इंटू ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सबको से मल्टीप्लाई करो तो ज़ीरो इंटू ज़ीरो वन इंटू ज़ीरो 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 इंटू वन ज़ीरो वन इंटू जीरो जीरो और बाकी जीरो जीरो से करेंगे तो, तो जीरो, जीरो जीरो ही आएगा हमारे पास तो ये क्या बन गया ये एक नल मैट्रिक्स बन गया ए स्क्वायर जो है वो एक नल मैट्रिक्स हो गया तो अगर ये नल मैट्रिक्स हो गया आप लोग देखो ये जो है एक नल मैट्रिक्स है आ, कुछ लोग इसको क्या करेंगे जीरो लिख देंगे जीरो लिख के और कहेंगे कि मतलब कि ये वाला जो पार्ट है वो पूरा का पूरा जीरो हो गया नहीं वो जीरो नहीं होगा हमारे पास ये एक नल मैट्रिक्स बन जाएगा टू बाई टू का है एक नल मैट्रिक्स बन जाएगा इसी तरीके से अब है क्या ना कि इधर से जो भी हमारे पास मैट्रिक्स आया यहाँ से एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यहाँ से एक ए मैट्रिक्स आएगा यहाँ से भी एक, एक मैट्रिक्स आएगा कुछ मल्टीप्लाई किया गया उसमें किसी स्कॉलर से मल्टीप्लाई किया गया तो टू बाई टू का एक मैट्रिक्स जो भी बना मान लेते हैं कि इधर से इन तीनों को ऐड वगैरह करने के बाद सब कुछ करने के बाद हमारे पास एक ऐसा ए बी सी डी टाइप बन गया ए बी सी डी तो अब लास्ट वाले जो है वो हमारे पास एक नल मैट्रिक्स होगा नल मैट्रिक्स जीरो 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 ठीक है तो जब ऐड करेंगे ना तो ऐड करेंगे तो हमारे पास वही मैट्रिक्स मिल जाएगा वापस से ए बी सी डी ए बी सी डी तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको इस चीज़ को नेगलेक्ट कर सकते हैं ये वाले को नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये कोई फ़र्क नहीं डालेगा हमारे पास तो हम इस पूरे को ऐसे काट के और क्या कर देते हैं नल मैट्रिक्स मतलब बड़ा सा ओ डाल देते हैं ओके okay? तो हमारे पास बन क्या गया क्या बचा हमारे पास ये ये वाला पार्ट बच गया अब देखते हैं कि जो हमें प्रूफ करना था वो यहीं से बन गया क्या चलो इसको लिख ही लेते हैं ए टू द पावर के प्लस वन आई दिस वन विल बी इक्वल टू ऊपर वाले पार्ट को लिख दे रहे हैं ये वाला हमारे पास अलग से चीज़ है ये भी हमारे पास अलग से चीज़ है ठीक है तो ए टू द पावर के प्लस वन आई 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 स्क्वायर का ये करेंगे तो आई आएगा हमारे पास प्लस प्लस यहाँ से दूसरे वाले को करेंगे तो कितना हो जाएगा ए टू द पावर के अच्छा ए टू द पावर के को अगर बाहर निकाल लें यहाँ से ए टू द पावर के ही था ना ठीक है तो अगर ए टू द पावर के को बाहर निकाल लिया जाए तो क्या बचेगा हमारे पास ए टू द पावर के भी दोनों को बाहर निकाल सकते हैं एक्चुअली निकालने की ज़रूरत है क्या हमें जो प्रूफ करना है ये वाला प्रूफ करना है के प्लस वन ए टू द पावर के बी ए अच्छा ये के प्लस वन ऐसे होगा हमारे पास के प्लस वन तो बाकी सबको बाहर निकल सकता है हमारे पास देखो ए टू द पावर के बी ए टू द पावर के बी ये भी है हमारे पास और आइए जो है वो ए के बराबर है तो इधर से के बच जाएगा और इधर से वन बच जाएगा तो पूरे को ही बाहर निकाल लेते हैं किसको बाहर निकाल लेते हैं ए टू द पावर के बी और ए इसको बाहर निकाला जाए तो बचेगा क्या हमारे पास के प्लस वन ये रह जाएगा एक बार देख लो आप लोग ए टू द पावर के बी और ए क्योंकि आइए जो है वो तो हमारे पास ए के बराबर हो जाएगा तो उसको हमने क्या किया बाहर निकाल लिया तो के प्लस वन बच गया अब हमें जो प्रूफ करना था हमें जो प्रूफ करना था वो यही तो करना था कि ए टू द पावर के प्लस वन इन टू एक मिनट ये ए था क्या पहले वाले में आई था सॉरी ये जो था ना यहाँ पे हमने गलती थोड़ा सा कर दिया है ये जो है वो आई है न कि ये वाला जो पार्ट है वो आई है ये आई है हमारे पास तो देखो ए टू द पावर के प्लस वन आई यहां से भी आ गया ए टू द पावर के प्लस वन आई ए टू द पावर के बी ए ए टू द पावर के बी ए इन के प्लस वन तो इंटू के प्लस वन हमारे पास तो ये हमने प्रूफ कर दिया ठीक है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि देयर फोर देयर फोर द रिजल्ट इज ट्रू रिजल्ट इज ट्रू फोर किसके लिए एन इज इक्वल टू के प्लस वन वेन एवर वेन ईवर एन इक्वल टू के इज ट्रू मतलब रिजल्ट जो है वो इसके लिए ट्रू है सो बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n इस तरीके से लिख देंगे हम लोग ठीक है तो फाइनल हमारे पास इस तरीके से कुछ रिज़ल्ट आया है आप लोग इसको एक बार मतलब इसका पी डी एफ हम जो है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देते हैं तो आप लोग पी डी एफ पहले डाउनलोड कर लिया करो एक बार और उसको कहीं और खोल लिया करो या फिर उसका प्रिंट आउट जैसे भी हो तो थोड़ा देखने में ज़्यादा आसानी होगा किस समझने में हम एक बार पूरा एक बार आपको दिखा देते हैं दिस वन क्या क्या हमने किया है ये वाला पी वन के लिए हमने ये किया है और एन इक्वल टू के लिए हमने माना है कि ये सही है फिर उसके बाद ये पी के प्लस वन के लिए हमें प्रूफ करना था तो एल एच एस और यहाँ से हमने आर एच एस के बराबर कि दिस इज इक्वल टू क्या है हमारे पास आर एच एस यहाँ से लेके आ गए तो ये प्रूफ हो गया हमारे पास प्रूफ होने के बाद हमारे पास हमने लिख दिया ठीक है मैथमेटिकल इंडक्शन अगर आपको ध्यान है तो फिर ईजी होगा आपके लिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास लेट ए इज इक्वल टू वन 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 प्रूव डेट ए टू द पावर एन इज इक्वल टू दिस वीक है तो इसको हम आपको दो तरीके से करा देते हैं दोनों तरीके से ए मैट्रिक्स जो है वो ये देख रखा है वन 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 ये कोई ऐसा नहीं कहेगा कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है नहीं ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमारा सिर्फ डायगोनल वन होता है बाकी जो होता है वो जीरो होता है ठीक है तो हमें प्रूफ करना है कि ए टू द पावर एन जो है वो कितना है थ्री टू द पावर एन माइनस वन 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 ये हमें क्या करना है ये हमें प्रूफ कर देना है कि ये इसके लिए सही है तो हम इसको दोनों तरीके से बता देते हैं एक तो मैथमेटिकल इंडक्शन से भी बता देते हैं और एक ऐसे भी बता देते हैं ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग जैसे ए दे के रखा है तो हम क्या करेंगे ए स्क्वायर निकालेंगे ए स्क्वायर कितना आएगा फिर ए क्यूब निकालेंगे अब वैसे देखेंगे कि ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है तो जो पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा वैसे हम उसका आंसर लिख सकते हैं तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि ए को ए से मल्टीप्लाई करना है तो वन 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 इसी को मल्टीप्लाई करना है खुद से वन 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 ओके तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से पहले करते हैं तो वन इंटू वन वन इंटू वन वन, वन, वन इंटू वन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा थ्री आ जाएगा हमारे पास तो यहीं पे लिख देते हैं ये कितना आ जाएगा हमारे पास थ्री हो जाएगा फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को करोगे तो भी आपके पास थ्री आ जाएगा इधर से भी थ्री 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 ठीक है तो आप यहाँ पे देखो कि ए स्क्वायर जो था वो कितना आया हमारे पास हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि थ्री टू द पावर टू माइनस वन थ्री टू द पावर टू माइनस वन थ्री टू द पावर टू माइनस वन एंड ऑल डेट इस तरीके से लिख लिखा जा सकता है ए स्क्वायर आ गया अब आते हैं ए क्यूब पे कि ए क्यूब कितना आता है उसको भी निकाल के देखते हैं हम लोग तो ए क्यूब कितना आ जाएगा हमारे पास ये थ्री है ये थ्री है ये थ्री है अगेन थ्री 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 ओके ये ए स्क्वायर हो गया और इन टू मतलब ए क्यूब को हम इसको ऐसे लिख रहे हैं ए स्क्वायर इंटू ए चलेगा और ये हमारे पास ए यानी कि वन 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 ओके तो जब इस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आप लोगे तो थ्री इंटू वन थ्री थ्री इंटू वन थ्री थ्री इंटू वन थ्री तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास नाइन आ जाएगा फिर वैसे ही यहाँ पे भी नाइन आ जाएगा यहाँ पे भी नाइन आ जाएगा यहाँ पे भी नाइन 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 सब जगह नाइन आ जाएगा हमारे पास तो हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं थ्री के पावर थ्री माइनस वन 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 थ्री टू द 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 पावर थ्री माइनस वन ओके इस तरीके से लिखा जाए तो अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि आगे भी आप निकालते जाओगे ए टू द पावर फोर निकालो ए टू द पावर फाइव निकालो तो जो पैटर्न ये फॉलो करेगा तो उस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि जो ए टू द पावर एन होगा ठीक है वो कितना आएगा हमारे पास थ्री टू द पावर एन माइनस वन 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 एंड थ्री टू द पावर एन माइनस वन थ्री टू द पावर एन माइनस वन एंड थ्री टू द पावर एन माइनस वन ये आ जाएगा हमारे पास तो ये हम लोग कहेंगे कि दिस वन इज़ प्रूफ ठीक है तो ये तो एक मेथड हुआ हमारे पास ये हमने क्या किया कि जनरली इसका ये देख लिया कि कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है उसी पैटर्न के हिसाब से हमने ए टू द पावर एन का भी अंदाज़ा लगा लिया कि ऐसा ही कुछ बन रहा होगा हमारे पास ओके अब आते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको प्रूफ करते हैं ठीक है मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करेंगे तो हमें फिर से वापस हम लोग ही करेंगे कि पी एन मान लेते हैं कि पी एन जो है दैट इज़ ए टू द पावर एन दिस वन कितना था हमारे पास थ्री टू द पावर एन माइनस वन 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 ये हमारे पास पी एन है हमारे पास तो वही वन के लिए वेरीफाई करेंगे के के लिए ट्रू मानेंगे और के प्लस वन के लिए प्रूफ करेंगे तो पी वन की बात करते हैं पी वन जो है यानी कितना हो जाएगा हमारे पास पी वन ए हो जाएगा हमारे पास ए इज इक्वल टू अब थ्री टू द पावर एन का वैल्यू अगर वन रखेंगे तो वन माइनस वन कितना हो जाएगा जीरो और थ्री टू द पावर जीरो कितना होगा वन 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 ठीक है तो इसका मतलब कि ये सही है हमारे पास वन के लिए तो सही है वन के लिए सही है तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं विच इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन विच इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू वन हम लोग वेरीफाई करते हैं वन पे अगला क्या करेंगे हम लोग लेट लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के मान लेते हैं कि एन इक्वल टू के लिए ये रिजल्ट जो है वो सही है मतलब क्या हुआ कि पी के पी के जो होगा वो कितना आ जाएगा ए टू द पावर के हो जाएगा हमारे पास तो ए टू द पावर के जो होगा वो किसके बराबर होगा थ्री टू द पावर के माइनस वन 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 ठीक है ये मान लिया कि ये सही है तो टू द पावर के का वैल्यू ये आ गया हमारे पास अब हमें क्या करना होगा हमें प्रूफ करेंगे नाउ वी विल प्रूव डैट वी विल प्रूव डेट रिजल्ट इज ट्रू फॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन डैट इज एनओ इक्वल टू के प्लस वन के लिए प्रूफ करने का मतलब ये है कि ए टू द पावर कितना हो जाएगा हमारे पास के प्लस वन तो ए टू द पावर के प्लस वन रखेंगे तो कितना हो जाएगा थ्री टू द पावर के प्लस वन माइनस वन तो के प्लस वन माइनस वन करेंगे तो थ्री टू द पावर के तो बाकी वाले को ऐसे लिख देते हैं थ्री टू द पावर के 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 थ्री टू द पावर ओके okay, ये हमें क्या करना है प्रूव करना है दिस वन इज टू प्रूव टू प्रू तो आते हैं एल एच एस उठाते हैं ठीक है एल एच एस की बात करते हैं तो एल एच एस हमारे पास कितना है एल एच एस है ए टू द पावर के प्लस वन तो ए टू द पावर के प्लस वन कितना आ जाएगा हमारे पास ए टू द पावर के इन टू कितना ए इस तरीके से लिख सकते हैं अब ए टू द पावर के जो है अभी हमने ऊपर में निकाला था कि ए टू द पावर के जो है वो ये है ये थ्री टू द पावर के माइनस वन और डेट डैट डैट जो भी है तो कितना जाएगा हमारे पास दिस वन विल भी थ्री टू द पावर के माइनस वन 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 और थ्री टू द पावर के माइनस वन इसको हमें मल्टीप्लाई किससे करना है ए से यानी कि वन 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 इससे मल्टीप्लाई करना है हमें तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग मैट्रिक्स में पहले फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट कॉलम से तो अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के मल्टीप्लाई करके और एक एलिमेंट को हम पूरा डिटेल्स में लिख रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा थ्री टू द पावर के माइनस वन प्लस थ्री टू द पावर के माइनस वन और प्लस कितना थ्री टू द पावर के माइनस वन ये पहले वाले को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो पहले वाले से वन से वन से वन से किया जाएगा तो ऐसा बनेगा हमारे पास तो थ्री टू द पावर के प्लस वन के माइनस वन प्लस थ्री टू द पावर के माइनस वन ये तीनों को मिला दिया जाए तो दिस वन इज इक्वल टू वॉट थ्री इन टू थ्री टू द पावर के माइनस वन अब इसको अगर एक साथ हम लिखना चाहते हैं तो दिस वन विल बी वॉट थ्री टू द पावर के माइनस वन प्लस वन तो ये चला जाएगा हमारे पास तो दिस वन विल बी इक्वल टू वॉट थ्री टू द पावर के ये हमारे पास थ्री टू द पावर के के बराबर आ जाएगा ओके okay. पहले वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग इस तरीके का कुछ बनेगा तो अगर ये ऐसा बना तो एक्चुअली है क्या कि इसको फिर किससे मल्टीप्लाई करोगे आप सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे फिर इसी को क्या करेंगे हम लोग थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में तो वही बनेगा हमारे पास फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो को थर्ड कॉलम से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो सेकंड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम तो हर जगह से आपको रिजल्ट जो है वो वही मिलने वाला है कितना थ्री टू द पावर के -K. तो हम इस चीज़ को डायरेक्टली अब लिख देते हैं तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो रिज़ल्ट आएगा डैट विल बी इक्वल टू वट थ्री टू द पावर के 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 और यही तो था हमारे पास आर एच एस इक्वल तो टू क्या आ गया हमारे पास आर जो हमारे पास एल से हमने शुरू किया था तो ये हमें आर एच एस यहां पर लेके आना था कि इसके बराबर है हमारे पास तो आर हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो है वो सही है हमारे पास ठीक है तो हम लोग लिख लेंगे कि देयर फोर देयर फोर द रिजल्ट इज ट्रू द रिजल्ट इज ट्रू फोर किसके लिए हमारे पास एन इक्वल टू के प्लस वन वेन एवर वेन एवर इट इज ट्रू फोर किसके लिए एन इक्वल टू के ठीक है सो बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पी एम आई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ट्रू इट इज ट्रू फॉर ऑल इन ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ठीक है तो सेकेंड क्वेश्चन भी हमारा हो गया तो हमने दोनों तरीके से यहाँ पे बता दिया आपको कि किस तरीके से मतलब पहला वाला तरीके से भी कैसे किया जा सकता है दूसरे वाले तरीके से भी कैसे किया जा सकता है तो मैथमेटिकल ये हो गया हमारे पास और ऊपर वाला जो हो गया हमारे पास वो बेसिक मेथड कि हम लोग पैटर्न देख लेते हैं कि कौन से पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है ओके okay. आते हैं नेक्स्ट पार्ट में यानी क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री देख रखा है ए जो है थ्री माइनस फोर वन माइनस वन है थ्री माइनस फोर वन माइनस वन ए हमारे पास कुछ ऐसा देखा थ्री माइनस फोर वन माइनस वन प्रूफ डेट ए टू द पावर एन इज इक्वल टू वन प्लस टू एन ए टू द पावर एन को हमें प्रूफ करना है किसके वन प्लस टू एन माइनस फोर एन माइनस फोर एन एन एंड वन माइनस टू एन वन माइनस टू एन इसके बारे में मतलब कि ए टू द पावर एन को हमें प्रूव कर देना है कि वो इसके बराबर है हमारे पास ओके तो हम इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से नहीं करा रहे हैं मैथमेटिकल इंडक्शन से आप लोग फिर से ट्राई कर लेना एक बार ये इजी है ठीक है सारे मैथमेटिकल इंडक्शन में वही करना होता है वन के लिए वेफाई कर दो फिर के के लिए ट्रू मान लो फिर के प्लस वन के लिए प्रूव कर दो तो हम आपको दूसरा वाला तरीका बता रहे हैं ए टू तो ए हमारे पास दिया हुआ है तो ए से ए स्क्वायर निकालते हैं तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास दिस वन विल बी थ्री दिस वन विल बी माइनस फोर दिस वन विल बी वन दिस वन विल बी माइनस वन इसको मल्टीप्लाई कर लो आप इससे थ्री माइनस फोर वन माइनस वन अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आएगा है हमारे पास तो कितना आएगा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री टाइम्स थ्री नाइन और माइनस फोर कितना जाएगा हमारे पास फाइव इसको फिर मल्टीप्लाई करो इससे तो माइनस ट्वेल्व और प्लस फोर माइनस ट्वेल्व प्लस फोर कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का एट फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो थ्री और माइनस वन ये हो जाएगा टू और फिर इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा माइनस फोर और प्लस वन माइनस थ्री ये बनेगा हमारे पास ओके ये बनेगा हमारे पास अब अगर ध्यान से देखा जाए तो इसको हम ऊपर वाले तरीके से देखो कैसे लिख रहे हैं दिस वन इज़ फाइव को हम ऐसे लिख देते हैं वन प्लस टू इंटू टू बस ऊपर वाले पैटर्न से मिलाना चाहते हैं हम वो उ, उस तरीके से कर रहे हैं इसको लिख सकते हैं माइनस फोर इंटू टू इस टू को तो टू ही छोड़ देते हैं और माइनस थ्री को हम वन माइनस टू इंटू टू लिख सकते हैं क्या वन माइनस टू इंटू टू तो देखो ये जो है वो ये पैटर्न जो है उसको फॉलो कर रहा है क्या इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है ठीक okay. है तो ये इस तरीके से हो गया हमारे पास मतलब टू वाले पे हमने देख लिया कि वैसा ही कोई बन रहा है एक्चुअली आप सीक्वेंस सीक्वेंसिंग सीरीज अगर ध्यान से पढ़े हो तो आप इसको बता सकते हो कि ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है किस तरीके से जा रहा है ये ओके okay. आगे आते हैं एक क्यूब देखते हैं कि ए क्यूब कितना हो जाएगा हमारे पास ए क्यूब कितना हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि फाइव माइनस एट टू और माइनस थ्री ठीक है तो दिस वन इज इक्वल टू दिस वन इज इक्वल टू सॉरी ए क्यूब को हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है किससे ए से तो ए हमारे पास कितना था थ्री माइनस फोर वन माइनस वन थ्री माइनस फोर वन माइनस वन इससे मल्टीप्लाई जब करोगे तो आपका कितना बनेगा का बन जाएगा फाइव टाइम्स थ्री फिफ्टीन और माइनस एट सेवन फिर फाइव टाइम्स माइनस फोर माइनस ट्वेंटी और प्लस एट माइनस का ट्वेल्व ओके और टू टाइम्स थ्री सिक्स माइनस थ्री और टू टाइम्स थ्री सिक्स माइनस थ्री थ्री ओके एंड टू टाइम्स माइनस एट और प्लस थ्री वन इज माइनस फाइव अगेन इसको आप ऊपर वाले तरीके से रखना चाहते हो तो देखो इसको कैसे सकते इसको लिख सकते हो इसको कैसे लिख सकते हो वन प्लस टू इंटू थ्री ठीक है इसको माइनस का फोर इंटू थ्री लिखा जा सकता है इसको थ्री को थ्री छोड़ देते हैं एंड दिस वन इज वन माइनस टू इंटू थ्री तो आप देखो कि सब में क्या हो रहा है यहाँ पे जैसे एन का वैल्यू हमारे पास कितना था यहाँ पे जब हम लोगों ने टू लिया था ये वाला टू लिया था तो यहाँ पे देखो ये टू है ये टू है ये टू है, है और ये टू है वैसे ही यहाँ पे देखो कि जब हमने थ्री लिया था तो यहाँ पे क्या है ये थ्री है ये थ्री है ये थ्री है और ये थ्री है यानी कि जहाँ पे जो यहाँ पे किया जा रहा है वैसा ही कुछ बन रहा है तो इस पैटर्न को देखते हुए इस पैटर्न को देखते हुए हम लोग ये कह सकते हैं कि जब ए टू द पावर एन जो बनेगा हमारे पास ए टू द पावर एन जो बनेगा हमारे पास वो कितना बन जाएगा वन प्लस टू इन टू यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा यानी कि टू एन माइनस फोर एन हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर एन का एन आ जाएगा और यहाँ से वन माइनस टू एन आ जाएगा ठीक है इस तरीके से अब ये हमने कैसे किया ये एक्चुअली पहले के क्वेश्चन में देख रखा था ना उसने कि इस तरीके का पैटर्न फॉलो कर रहा है क्योंकि इसको कुछ और भी लिखा जा सकता था ऐसे इस साइड में माइनस मतलब फोर का मल्टीपल ही आ रहा था माइनस फोर माइनस एट माइनस ट्वेल्व इस तरीके से बन रहा था हमारे पास ओके है थोड़ा सा एंड सीरीज लगाना पड़ेगा एंड सीरीज में जो जनरल टर्म होता है उसका यूज करके आप निकाल सकते हैं उसको चलो इसको दूसरे तरीके से भी बता ही देते हैं तो ये हमारे पास पहला तरीका हुआ जनरली कि हमने पैटर्न फॉलो करके बता दिया कि ए टू द पावर एन जो होगा वो इसके बराबर हो जाएगा हमारे पास अब आते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको प्रूफ कर लेते हैं हाँ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ कर दिया जाए या फिर चलो ठीक है कर ही देते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ कर देते हैं तो एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं क्वेश्चन जो है हमारे पास कि ए जो था डेट वॉज थ्री माइनस फोर वन माइनस वन ये देख रखा था और हमें प्रूव करना था कि ए टू द पावर एन जो है वो कितना है वन प्लस टू एन माइनस फोर एन एन वन माइनस टू एन ओके तो वही काम वन के लिए पहले वेरीफाई करते हैं ठीक है तो इसको ऐसे लिख लेते हैं पी एन जो है हमारे पास कितना है ए टू द पावर एन इज इक्वल टू वन प्लस टू एन माइनस फोर एन दिस वन इज एन एंड दिस वन इज वन माइनस टू एन तो एन इक्वल टू वन रखते हैं पहले वेरीफाई करते हैं कि एन इक्वल टू वन के लिए सही है क्या तो ए टू तो पावर वन हो जाएगा एंड दिस वन बिल बी इक्वल टू वट वन प्लस टू थ्री दिस वन बिल बी माइनस फोर दिस वन बिल बी वन एंड दिस वन बिल बी वन माइनस टू माइनस वन ठीक है तो ये तो हमारे पास ए के बराबर है इसका मतलब कि ये वन के लिए तो सही है ठीक है विच इज ट्रू विच इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू वन तो ये तो वेरीफाई हो गया एन इक्वल टू वन के लिए अब अगला टारगेट क्या होता है हमारे पास अगला टारगेट होता है लेट लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के लेट द रिजल्ट इज ट्रू फोर एन इक्वल टू के किसी एन इक्वल टू के के लिए ये चीज़ सही है तो एन इक्वल टू के लिए सही है इसका मतलब डाटिप्लाइस डाटिप्लाइस पी के यह क्या हो जाएगा ए टू द पावर के हो जाएगा एंड दिस वन विल भी इक्वल टू दिस वन विलवल टू कितना हो जाएगा हमारे पास के रखेंगे तो ये वन प्लस टू के माइनस फोर के यहाँ पे के और ये हो जाएगा वन माइनस टू के ठीक है ये जो है हमारे पास क्या है ये ट्रू है हमने क्या किया है जब एन की जगह पे बस के रख दिया है यहाँ पे आप इस चीज़ में उठा के रख सकते हो एन का वैल्यू के ओके ये हो गया हमारे पास नाउ अब हम लोग प्रूफ क्या करेंगे नाउ वी विल प्रूव द रिजल्ट वी विल प्रूव दैट रिजल्ट इज ट्रू फोर किसके लिए एन इक्वल टू के प्लस वन के लिए, लिए. ठीक है ना वेन एवर एन एन पी के स्ट्रू तो के प्लस वन के लिए करना है तो पी के प्लस वन जो होगा वो कितना आ जाएगा ए टू द पावर के प्लस वन ए टू द पावर के प्लस वन अगर करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए टू द पावर के इन अच्छा पहले हम देख लेते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है प्रूफ क्या करना है ए टू द पावर के प्लस वन रखने का मतलब ये हुआ कि हमें इसकी जगह पे वन प्लस टू टाइम्स कितना जाएगा के प्लस वन माइनस फोर टाइम्स के प्लस वन दिस वन इज के प्लस वन एंड दिस वन इज वन माइनस के प्लस वन ओके ये हमें प्रूफ करना है ये वाला पार्ट तो आते हैं एलएचएस से शुरू करते हैं हम लोग एल एच एस सेम प्रोसीजर है सब में ठीक है अब आपको एक बार प्रोसीजर समझ में आ गया तो उसके बाद बस कैलकुलेशन है ठीक तो ए टू द पावर के इन टू कितना आ जाएगा हमारे पास हाँ के प्लस वन करना है हमें तो ए टू द पावर के प्लस वन कितना हो जाएगा ए टू द पावर के एन टू क्या हो जाएगा ए हो जाएगा तो अभी हमने ए टू द पावर के निकाला है कि ए टू द पावर के कितना होगा ये ऊपर में अभी हमने निकाला था कि ए टू द पावर के कितना वन प्लस टू के माइनस फोर के वन प्लस टू के माइनस फोर के दिस वन इज़ के एंड दिस वन इज़ वन माइनस टू के तो ये तो हमारे पास ए टी दो पावर के हो गया और इंटू ए करेंगे तो ए कितना था हमारे पास थ्री था माइनस फोर थ्री माइनस फोर वन माइनस वन ठीक ये आया हमारे पास अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहेगा हमारे पास ठीक तो है वन प्लस टू के इंटू थ्री तो थ्री टाइम्स कितना रहेगा वन प्लस टू के और माइनस फोर के फोर के इंटू कितना हो जाएगा वन ये वन है हमारे पास इंटू वन ये पहला आ गया हमारे पास फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो कितना जाएगा माइनस फोर इंटू वन प्लस टू के और माइनस फोर के और इंटू वन तो ये हो जाएगा प्लस का फोर के फिर सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो कितना जाएगा थ्री के थ्री के और प्लस कितना इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वन माइनस टू के वन माइनस टू के ओके फिर क्या आ जाएगा हमारे पास ये वाले पार्ट कुछ से करेंगे तो दिस वन बिलिटी माइनस फोर के माइनस फोर के और इसको किया जाए तो माइनस माइनस प्लस का टू के माइनस वन आ जाएगा हमारे पास ये बनेगा ऐसा कुछ थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना जाएगा थ्री टाइम्स टू सिक्स के माइनस फोर के टू के तो थ्री प्लस कितना जाएगा हमारे पास थ्री प्लस टू के आ जाएगा ये के और फिर इधर से हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस फोर प्लस एट के प्लस फोर के तो माइनस एट के माइनस फोर माइनस एट के माइनस कितना फोर यहाँ से हमारे पास कितना जाएगा वन माइनस नहीं वन प्लस के ये बन जाएगा और इधर कितना बन जाएगा हमारे पास माइनस का टू के टू के माइनस टू के माइनस वन ओके माइनस टू के प्लस टू के माइनस हम्म ठीक है ये बना हमारे पास अब इसको थोड़ा सा और अरेंज करते हैं और उस फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं जिस फॉर्म में हमें प्रूफ करना है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या थ्री प्लस टू के लिखना है ना तो वन प्लस टू के हमें प्रूफ करना था तो वन प्लस टू टाइम्स के प्लस वन अगर लिखा जाए टू टाइम्स तो के प्लस वन अगर लिखें तो कोई दिक्कत है नहीं बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए ठीक है क्योंकि वही चीज़ लिखा हुआ है टू के प्लस टू और प्लस वन करेंगे तो थ्री आ जाएगा यहाँ से अगर माइनस के फ़ोर को हम बाहर निकाल दें तो दिस वन विल बी वॉट माइनस के फ़ोर को अगर बाहर निकालें एक्चुअली यहाँ पर क्या प्रूफ करना था हमें माइनस का फोर इंटू के प्लस वन ना अच्छा ये माइनस का एट के था माइनस का नहीं इसमें माइनस का फोर के बच जाएगा ना माइनस फोर के तो माइनस फोर को अगर हम लोग बाहर कर लें तो अंदर में कितना बच जाएगा हमारे पास अंदर में हमारे पास बच जाएगा आ, के प्लस वन ठीक है इसको के प्लस वन ऐसे ही छोड़ देते हैं और ये कितना आ जाएगा हमारे पास ये हमें यहाँ पे हमें किस फॉर्म में लेके आना था वो देख लेते हैं वन माइनस टू के प्लस वन ओके इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या वन माइनस टू के प्लस वन लिखेंगे तो माइनस टू के माइनस टू प्लस वन हाँ ठीक है बिल्कुल इस तरीके से ऐसे लिख सकते हैं हम लोग तो ये क्या आ गया ये आ गया हमारे पास ए टू द पावर के प्लस वन कि टू द पॉवर प्लस वन जो है वो हमारे पास इसके बराबर आ गया तो हम लोग कहेंगे कि दिस इज़ इक्वल टू वॉट आर एच एस ये आर एच एस के बराबर आ गया हमारे पास जो भी आर एच एस हमारे पास लेके आना था यहाँ से ऊपर वाले क्वेश्चन से देख लो आप लोग एल एच एस हमारे पास ये था और आर एच एस जो था वो ये था ठीक है उसी चीज़ को हमने एक्जैक्टली exactly उस फॉर्म में लिखने के लिए बस थोड़ा सा हेल्प ले लिया कि, कि किस फॉर्म से हमें किस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा उसको ओके तो ये हमारे पास आ गया हमारे पास मतलब कि जो हमें हमारे पास आर एच एस आना था तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे कि दे आर फोर दे फोर द रिजल्ट इज ट्रू रिजल्ट इज ट्रू फोर किसके लिए एन इक्वल टू के प्लस वन के प्लस वन वेनेवर वेनेवर एन इक्वल टू वेनेवर इट इज ट्रू फोर वेनेवर इट इज ट्रू फोर एन इक्वल टू के क्योंकि हम लोग उसका हेल्प लेते हैं ना एन इक्वल टू के वाले का हेल्प लेते हैं यहाँ पे जो हम लोग के रखते हैं ठीक है ये वाला जो के रखते हैं हम लोग एन इक्वल टू के रखते हैं इस चीज़ का हेल्प लेते हैं ना इसका उठा के वहाँ पे तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि अगर वो सही है तो ये भी सही है ठीक है सो बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक कलेक्शन सो बाई पी एम आई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द रिजल्ट इज ट्रू ट्रू फॉर ऑल ऑल एन नेचुरल नंबर बिलोंगिंग टू मतलब ऑल एन बिलोंगिंग टू एन यानी कि हर एक नेचुरल नंबर के लिए क्या है सही है हमारे पास ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग अगले वीडियो में करेंगे थैंक यू